जनाब टीवी की खबरों के साथ में आपका मेजबान नसीर अहमद खोड़ा हाजिर। पेश है आज की अहम खबरें। किश्तवाड़ के भिंद्रापन में गाड़ी को हादसा, 7 अफराद जख्मी और 1 कामसिन बच्चे की हालत तश्वीशनाक। कैंदवे ने बच्चे पर बोला हमला, बच्चा शरीर जख्मी और डोडा के अस्पताल में जहर इलाज। कोरोना वायरस से बचाव के लिए रेलवे स्टेशन बानाल में महकमा सेहत की तरफ से तिब्बी मायना। डिप्टी कमिश्नर डोडा ने किया डोडा बाजार का मायना, दवा फरोशों से की मुलाकात, उनको दी जरूरी हिदायत। और दफा 144 के नफाज के बावजूद बैंकों में भीड़ भाड़ और जमघटा, दफे का नफाज अमली तौर कहीं मौजूद नहीं। अब पेश है खबरों की तफसील। आज किश्तवाड़ के भिंद्रापन इलाके में आधा दर्जन से जायद अफराद की जान उस वक्त बाल बाल बची जब एक इको गाड़ी को एक हादसा पेश आया। गाड़ी में कम से कम 7 अफराद सवार थे जिनको मामूली चोटें पहुंची, ताहम एक छोटा बच्चा शदीद जख्मी हुआ जिसको बाद में किश्तवाड़ अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे की हालत तश्वीशनाक बताई गई है और ये हादसा उस वक्त पेश आया जब गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक खाई में जा गिरी। डोडा के शुमाली इलाका दशनान में गुज़श्ता रात जंगली तेंदुए ने एक बच्चे पर हमला करके इसको शदीद तौर जख्मी कर दिया। तहम शोर गुल होने पर मुकामी लोगों ने बच्चे को तेंदुए के हमले से बचाया। मजरूब बच्चे की पहचान सिमित वल्द तोताराम साकना दशनान तहसील डोडा के तौर हुई है। मजरूब सिमत कुमार इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल डोडा में जहर इलाज है जहां इसकी हालत मुस्तकम बताई जाती है। काबिल जिक्र बात यह है कि जंगली जानवरों के हमलों में होने वाले माली व जानी नुकसान पर मुतासरीन के लिए खुसूसी मुआवजे की मांग अरसा दराज से की जा रही है। कल रात शाम 8 बजे ये हादसा पेश आया। बच्चा माँ के साथ शाम 8 बजे बाहर निकला था और लीपोर्ड ने इस पर हमला किया। हाँ, लोग डरे हुए सहने हुए लोग हैं। अब हमारी डी साहब से अपील है कि वो जाए उधर, थोड़ी अपनी वाइल्ड लाइफ की टीम भेजें, थोड़ा वहाँ मायना करें और रिपोर्ट पकड़ा जाता है तो इसके बारे में कुछ। कल शाम का वाक़या है कि 8:45 पे एक हमारी एमरजेंसी में एक बच्चा आया, 5 साल का, सुमित साना टोटाराम आरो दशनान का था वो, तो उसको लेपर्ड बाइट थी और उसके बाद हमने इसको एमरजेंसी में मैनेज किया और जो भी उसके यहाँ पे ट्रीटमेंट था उसको हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया। उसके बाद हमने उसको वार्ड में शिफ्ट किया और सर्जन ने उसको बाज़ाब्ता तौर पे देखा और आज सुबह जो मेरी सर्जन से बात हुई और मैं खुद भी वार्ड में गया, बच्चा स्टेबल है, कोई घबराने की बात नहीं है, बच्चा आउट ऑफ डेंजर है और कल तक हम उसको डिस्चार्ज कर देंगे। इससे पहले भी यहाँ पे केसेस सुनने में क्या आते रहते हैं और इसी एरिया दशनान एरिया के जो लेपर्ड बाइट के केसेस आते रहते हैं, लेकिन ये फर्स्ट केस है, दिसंबर से अभी तक की पहला केस है। वबाई COVID-19 कोरोना वायरस से बचाव के लिए आज बानिहाल रेलवे स्टेशन पर महकमा सेहत बानिहाल की तरफ से खुसूसी तिब्बी मायने कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बानिहाल और वादी कश्मीर जाने वाले मुसाफिरों का तिब्बी मायना करके इनको सफर की इजाजत दी गई। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बानिहाल ने चनाब टीवी से बात करते हुए बताया कि वबाई कोरोना वायरस से डरने के बजाय एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए और मुख्तलिफ मकामात पर तिब्बी मायना उन्हीं एहतियाती तबदीर की एक कड़ी है। उन्होंने मजीद कहा कि ज्यादा से ज्यादा एहतियात ही इस वबाई बीमारी को फैलने से रोक सकता है। यहाँ स्टार्ट करते हैं और शाम 7 बजे तक चलता है और हम दो शिफ्ट करते हैं, एक होता है 8 to 2 और फिर 2 to 7, दोनों शिफ्ट हम यहाँ पे करते हैं। और इसके अलावा हमें आर्मी से भी काफ़ी हेल्प मिला है, उनका भी अच्छा कोऑपरेशन रहा है इसमें, तो हमें फिलहाल तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। मिलेंगे फॉर्नर एक ही आया था बांग्लादेश से, तो वो सिम्टम फ्री था, उसको कोई सिम्टम नहीं थे, तो उसके अलावा एक और आया है, वो यहीं का है पुंछ का, मगर वो सऊदी से आया है, नाम हम नहीं ले सकते, तो इन दोनों को हमने यहाँ पर स्क्रीन किया जो फॉरेन से आए, दोनों जो हैं सिम्टम फ्री हैं, उनको कोई सिम्टम नहीं है और फिर भी हमने उनको ऑन कॉल, हम उसको उनको फोन करते रहेंगे कि
कोई सिम्टम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई इन दिनों उनको, तो उसकी डिटेल्स हम लेते रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर डायफोर्ड सागर ने आज सदर मुकाम डोडा के बाजारों का दौरा करके मुख्तलिफ अद्वियात दुकानदारों का जायजा लिया और डीसी डोडा ने अद्वियात की दुकान मालकान से कहा कि वो लोगों को सेहत सफाई के लिए मखसूस प्रोडक्ट के साथ साथ मुतबादिल प्रोडक्ट के इस्तेमाल की भी तरगीब दें। ये पर्पज़ हमारा जो है वो जनरल एक सैनिटेशन का रिव्यू, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे मेडिकल शॉप्स हैं, जो केमिस्ट शॉप्स हैं, उनको एक बार हमें जायज़ा लेना था कि एक जो जनरली शॉर्टेज स्वाभाविक है, इट्स वेरी नेचुरल कि सैनिटाइज़र्स की और मास्क की शॉर्टेज हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सैनिटाइज़र्स के लिए बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि आफ्टर शेव जो है वो 95% अल्कोहल उसमें भी होता है, डॉक्टर स्पिरिट है, या फिर बाकी सारी चीज़ें हैं जो बेसिक हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन करने के लिए लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में फाइनली हमने डिसीजन लिया कि तकरीबन 100-150 जो शॉप्स हमारी केमिस्ट की यहाँ पे है डोडा डिस्ट्रिक्ट में, उनको हम एक जो है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर बना के दे देंगे, ताकि लोग जो पूछने के लिए आ रहे हैं सैनिटाइजर्स चाहिए, मास्क चाहिए, तो उसके बदले वो क्या क्या ऑप्शन है जो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कि हमारा पैम्पलेट्स बांटने का काम जो है पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और म्यूनसिपल कमिटीज़ ने वगैरह ऑलरेडी 10 दिन से पहले से ये शुरू किया हुआ है। थोड़ा सा एक जनरल रिव्यू, और मैं समझता हूँ कि आने वाले ये जो हमारा पूरा एक मंथ है, आने वाला एक महीना, ये बड़ा क्रुशल हमारे लिए है। जो भी इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं उसको और ग्राउंड पे लोगों को ताकि आगाह हो जाए कि एग्जैक्टली इसमें करना क्या है, रिस्पांस किस तरीके से देना है और पैनिक से बचना है। हमने वो कॉल ले लिया है क्योंकि जनरली ऐसा नज़र में आया है कि क्योंकि स्कूल्स की छुट्टियाँ भी शुरू है, तो एक बहुत सारी भीड़ जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गई है अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स पे वगैरह, तो उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए और एक SOP है हमारा कि आइसोलेशन का और क्वारंटाइन का, कि जनरली जितना जो है चहल पहल कम रहेगी उतना बेटर रहेगा कि हम कंटेन कर पाएंगे इस चीज़ को। इसीलिए हमने वो कॉल ले लिया कि ढाबाज, रेस्टोरेंट्स और जो होटल्स है उसको बंद किया जाएगा आज से। COVID-19 कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जहां इंतजामिया की तरफ से दफा 144 नाफिज किया गया, वहीं आज भी सदर मुकाम डोडा में मुख्तलिफ बैंकों में सार्फीन का बाहरी तादाद में नजर आई और बैंकों में मौजूद भीड़ भाड़ से दफा 144 की अफाजत और नफाज महज रस्म बनकर रह गई है। अवामी हलकों ने बैंकों में भीड़ भाड़ और जमघटा को खत्म करने के लिए खुसूसी तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया। वबाई COVID-19 कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जिला इंतजामिया रामबन ने दफा 144 का निफाज अमल में लाया है, जबकि तमाम तालीमी इदारे इस सिलसिले में पहले ही बंद पड़े हैं। इंतजामिया ने 23 लोगों को एहतियाती तौर निगरानी में रखा है। इंतजामिया ने एहतियाती तदाबीर की अमल आवरी के लिए ADC रामबन की सदारत में एक कमेटी भी तश्कील दी है। इजलास में महकमा ट्रांसपोर्ट को हिदायत दी है कि वो मुसाफिर गाड़ियों की सेहत सफाई के लिए खुसूसी ध्यान दें। उन्होंने महकमा बल्दिया रामबन, महकमा सेहत, ट्रेड यूनियन रामबन से भी दयानतदारों से अपना किरदार अदा करने की तलकीन की। डिस्ट्रिक्ट में भी सेक्शन 34 ऑफ जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके तहत आज हम ऑर्डर इशू कर रहे हैं। ये कोरोना वायरस का जो स्प्रेड हो रहा है उसको लेके ये ऑर्डर किया जा रहा है। इसमें एसेंशियली पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक गैदरिंग्स, पार्क्स, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, होटल्स, ढाबाज, पब्स, बार्स, जहाँ पे भी पब्लिक गैदरिंग के चांसेस हैं उन जगहों को हम 31 मार्च तक के लिए बंद कर रहे हैं। सेक्शन 144 हमने ऑलरेडी इम्पोज किया हुआ है, उसको स्ट्रिक्ट कंप्लायंस आज से हम शुरू करवा रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट इस वायरस का उस फेज़ में हम लोग आ चुके हैं और उसको कंटेन करने के लिए ये स्ट्रिक्ट मेजर्स लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए रामबन डिस्ट्रिक्ट में भी हम ये मेजर्स आज से लगा रहे हैं। पब्लिक से मैं अपील करता हूँ, जितने भी लोग ये चैनल देख रहे हैं और अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, सबको यही कहा जाए, बेहतर है टू स्टे इंडोर्स, अपने घरों में रहें, ज़्यादा बाहर निकलना अदर देन एसेंशियल कमोडिटीज़ लेने के लिए या दवाइयाँ लेने के लिए या और कोई काम करने के लिए निकल सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबल या तो अपने ऑफिसेज़ के अंदर रहें या फिर अपने घरों के अंदर रहें, क्योंकि जितना ये कम स्प्रेड होगा उतना आसान होगा इसको टैकल करना। स्प्रेड ह्यूमन टू ह्यूमन है और रामबन डिस्ट्रिक्ट जैसा आप जानते हैं कि बहुत सारे पैसेंजर्स इस डिस्ट्रिक्ट से गुजरते हैं, ये एसेंशियल नहीं है
कि रामबन का ही बाशिंदा कोरोना वायरस कैरी कर रहा हो। पॉसिबिलिटी ये भी है कि बाहर से जितने लोग आ रहे हैं, बसों में आते हैं, सूमोज में आते हैं, बहुत सारे ट्रैवलर्स इस डिस्ट्रिक्ट से गुजरते हैं क्योंकि नेशनल हाईवे पे ही हमारे मोस्ट ऑफ द टाउन सिचुएटेड हैं, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट बन सकता है जो इन्फेक्शन को स्प्रेड कर सकता है। तो एसेंशियली जैसे मैंने आपको बताया, वी आर टेकिंग सम मेजर्स, आज से हम शुरू करेंगे, इनको हम इम्प्लीमेंट करते हुए देखेंगे कि अगर फिर भी लगा हमें कि इससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, अगर लोग अभी भी स्प्रेड करने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं केसेस के, तो और भी स्टेप्स लिए जाएंगे। दो दिन के बाद मैं फिर से इसको रिव्यू करूंगा डिस्ट्रिक्ट में, अगर हमें लगेगा और हमें इनपुट से हम आएंगे कि फिर भी बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे को मिल रहे हैं या ऐसी कोई चांसेस बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन की बात आप कर लो, बस स्टेशन की बात कर लो, तो फिर हम और भी स्ट्रिक्ट मेजर्स ले लेंगे कंटेन करने के लिए। लोगों को हमने बैनर्स भी अब बनवा दिए हैं, बैनर्स लगाए जाएंगे सोशल मीडिया के थ्रू, आपके थ्रू, हम लोग मीडिया के थ्रू ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा सारी पब्लिक को एट लार्ज कि आप अपने घरों में रहें। अगर कोई बाहर से ट्रैवल करके आया है और आपको उसकी नॉलेज है तो वो नॉलेज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाए, मैंने पहले भी अपील की है लोगों से कि वो हमारे को प्रोवाइड की जाए ताकि हम उस पर्सन को जो अफेक्टेड कंट्री से आया है उसकी जांच पड़ताल अच्छी तरह की जाए और अगर ज़रूरत पड़े तो उसको फर्दर टेस्टिंग के लिए हम भेज सकें। इसके अलावा सबसे ज़्यादा एसेंशियल यही है कि अगर कोई इन्फेक्टेड या कोई सिम्टम्स दिखा रहा है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल उसको भेजा जाए और उसको वहाँ पे टेस्ट कराया जाए कि वो कोरोना वायरस का कहीं पेशेंट तो नहीं है। और हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए सबसे पास डोडा हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है और जम्मू में फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। हमारे पास एम्बुलेंसेज हैं, दोनों एमरजेंसी और क्रिटिकल केयर एमरजेंसी वैन्स, हमने जो एम्बुलेंसेज को हमने ऑलरेडी तैनात कर दिया है, तो इमीडिएटली जैसे ही नॉलेज किसी की मिलेगी तो उसको तुरंत शिफ्ट किया जाएगा टू द टेस्टिंग फैसिलिटी। क्योंकि कौमी शायरा नेशनल हाईवे 44 रामबन डिस्ट्रिक्ट के थ्रू गुजरता है तो बहुत सारे लोग इसमें चल रहे हैं और इस कौमी शाहरा पे हम जानते हैं इस वक्त बहुत काम का सिलसिला चल रहा है, माउंटेन कटिंग चल रही है, 4 लेन बनाया जा रहा है जिसकी वजह से बहुत डिस्ट्रप्शन इस हाईवे पे आता है। वेदर को देखते हुए पिछले दिनों 3 या 4 दिन के लिए हाईवे बंद करना पड़ा, उस सूरत में हमारे पास बहुत सारे पैसेंजर्स स्ट्रैंड हो जाते हैं, स्ट्रैंडेड हमारे पास रह जाते हैं। कोरोना वायरस को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स को हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो पब्लिक से ये अपील की जा रही है कि अगर बहुत एसेंशियल है तो तभी वो नेशनल हाईवे पे आए, अगर यहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाती है या रास्ता बंद हो जाता है तो उनके पास रहने के लिए यहाँ कोई जगह नहीं होगी, तो इसलिए बेहतर है कि वो अपनी अरेंजमेंट खुद करके आए और तभी ट्रैवल करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रैवल तभी करें जब बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, ऐसा ट्रैवल ना करें बिटवीन श्रीनगर एंड जम्मू, क्योंकि कोरोना वायरस को स्प्रेड होने की वजह से इस वक्त इट विल नॉट बी पॉसिबल कि हम वहाँ स्टैंडर्ड पैसेंजर्स की जो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं वो उनको दे पाएं। एक बनाई थी डलवास में नाशरी के पास जो यात्रा के लिए भी यूज़ की जानी थी और जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स के लिए हम यूज़ कर रहे थे उसको इस वक्त हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू इंक्यूबेशन एंड आइसोलेशन फैसिलिटी फॉर कोरोना वायरस, तो वो जगह भी इस वक्त अवेलेबल नहीं होगी, उसमें भी हम पेशेंट्स को ही रखेंगे। तो ये अपील है सारे लोगों से कि नेशनल हाईवे पे तभी आएं जब उनको बहुत एसेंशियल है ट्रैवल करना या किसी इमरजेंसी सिचुएशन में उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है, तभी ट्रैवल करें, अदरवाइज अवॉइड करें ट्रैवल जितना पॉसिबल हो सके। आज डोडा में जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा की सदारत में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के कामकाज का जायजा लेने के लिए खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में बताया गया कि मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए 128.78 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है, जिसमें 42.80 करोड़ मया रखा गया था, जिस पर ताहाल 28.39 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। इजलास में चीफ प्लानिंग ऑफिसर व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जिला रामबन के बानिहाल में पंचायत चमलवास व डोली गांव के लोगों ने इलाका में बिजली के नाकस इंतजाम पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है। आज बानिहाल में मजकूरा इलाका के लोगों ने बिजली की अदम दस्तियाबी और माहाना किराया में 116 रुपये से 376 रुपया होने पर भी गम गुस्सा का इजहार किया है। एहजाज में पंचायती मेम्बरान के अलावा लोगों की भारी तादाद ने भी शिरकत की। हमारी मांगे पूरी करो,
यहाँ पर हम बिजली महकमा के दफ्तर के सामने खड़े हैं। तमाम जो लोग हिंजाल, फागो, बुहरगाम, नवकूट, जबड़ी, सिंगड़ी नाला, वगन, हाला, मामना, मकरूला और तमाम जो उनके नुमाइंदे यहाँ पर खड़े हैं, आज हम महकमा बिजली के यहाँ पर दफ्तर पे आए थे। एक सितम जरीफी का मकाम है कि महकमा बिजली बानीहाल में जो बिलें आज मौसूल हो रही है सार्फिन को, उनमें जो आपने देखा होगा कि जिसका 110 रुपये फ्लैट रेट है उसको 800-800 का बिल आ रहा है। ये गरीब लोग हैं जो सब यहाँ पर जमा हुए थे, जो सरपंच साहिबान यहाँ पर जमा हुए थे, जो अवामी लोग यहाँ पर जो वफूद की सूरत में यहाँ पर आए थे। हमने यहाँ पर महकमा बिजली के अफसरान से बात की कि अगर इन लोगों का जहाँ पर बिजली नहीं चल रही है उनका किराया एक महीने का माफ़ नहीं किया गया तो ये लोगों का प्रोटेस्ट हम सड़क पर उतारेंगे, उसके जिम्मेदार महकमा बिजली के लोग होंगे। डिप्टी कमिश्नर डोडा की सदारत में आज डोडा में COVID-19 कोरोना वायरस के फैलाव से पैदा शुदा सूरत हाल पर खुसूसी इजलास मुनक्द हुआ। इजलास में जिला के तमाम SDM व तहसीलदारों और पुलिस अफसरान की महकमा सेहत के अफसरान ने शिरकत की। DC डोडा ने शुरका पर जोर दिया कि इनको मौजूदा हालात में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और किसी भी तौर मामूली लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने तमाम अफसरान पर जोर दिया कि वो तनदही से काम करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में बेदारी फैलाएं। इजलास में SSP डोडा के अलावा दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। तो नाजरीन, इसी के साथ आज का ये खबरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेजबान नसीर अहमद खोड़ा को इजाजत। फिर मिलेंगे। आदाब।